फोर छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाएं होते हुए भी पर्यटन विभाग के इच्छा शक्ति के अभाव में बेहतर पर्यटन स्थल बनाया जा सकने वाला जगह आज भी पर्यटन स्थल के नक्शे से बाहर है और उन्हें पर्यटन क्षेत्र के रूप में दर्जा नहीं मिल पा रहा है, जिससे पर्यटन की संभावनाएं होने के बाद भी पर्यटन क्षेत्र के रूप में ऐसे स्थलों को विकसित नहीं किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और पर्यटन उद्योग को छत्तीसगढ़ में एक नई दिशा दी जा सकती है, लेकिन सरकारी इच्छा शक्ति के अभाव में बेहतर पर्यटन स्थल जिन्हें बनाया जाना चाहिए वह आज भी पर्यटन के नक्शे से बाहर है और उन्हें पर्यटन क्षेत्र के रूप में दर्जा नहीं मिल पा रहा है, जिससे पर्यटन की संभावनाएं होने के बाद भी पर्यटन क्षेत्र के रूप में ऐसे स्थलों को विकसित नहीं किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के शिशुपाल पर्वतीय अंचल पर्यटन के नक्शे पर आज भी नजर नहीं आता है, लिहाजा पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की अपार संभावनाएं होने के बाद भी इस अंचल का विकास नहीं हो पा रहा है। महासमुंद जिले के सरायपाली ब्लॉक मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सुदूर पर्वतीय क्षेत्र शिशुपाल पर्वत इन दिनों पर्यटन के लिए काफी अच्छा जगह माना जा रहा है, लेकिन शासन प्रशासन की उपेक्षा के चलते शिशुपाल पर्वतीय क्षेत्र को पर्यटन के नक्शे पर आज भी जोड़ा नहीं जा सका है। आपको बता दें कि इस शिशुपाल पर्वत पर सदावाहिनी घोड़ाधार जलप्रपात काफी प्रसिद्ध जलप्रपात है और यहाँ 1000 फीट की ऊंचाई से पानी की धारा 12 महीने नीचे बहती नजर आती है, जिसे देखने के लिए लोग 1000 फीट की खड़ी चढ़ाई चढ़कर जलप्रपात तक पहुँचते हैं। नेशनल हाईवे 53 से 10 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में मल्दामाल और पुजारी पाली के निकट स्थित घोड़ा धर्म जलप्रपात और शिशुपाल प्रपात महासमुंद जिले का सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थल के रूप में माना जाता है, लेकिन सरकार की सुविधाओं का अभाव तथा पर्यटन की दिशा में आज तक किसी तरह का कोई विकास नहीं होने से शिशुपाल का यह पर्वतीय क्षेत्र पर्यटन के नक्शे से गायब है। गौरतलब है कि शिशुपाल का ऊपरी हिस्सा पुरातत्व वेत्ताओं के लिए भी काफी खोज का विषय बना हुआ है। यहाँ प्राचीन शिलालेख सहित अन्य कई तरह के अवशेष महाभारत कालीन युग के देखे जा सकते हैं। घोड़ाधार जलप्रपात को देखने के लिए बारिश सीजन में रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग दूर दूर से यहाँ पहुँच रहे हैं। इसके बाद भी इस स्थल को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने न तो यहाँ के जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं और न ही शासन प्रशासन की ओर से कोई सुविधा विकसित की जा रही है, लिहाजा यह क्षेत्र आज भी पूरी तरह से उपेक्षित नजर आ रहा है। सरकार के हिसाब से कोई भी सुविधा नहीं है, अगर सरकार चाहती तो इसको पर्यटन स्थल बना सकती है, जिसको सबको फायदा होता, विदेश से भी लोग आते, बाहर से भी लोग आते, लेकिन कोई भी सुविधा नहीं है, सरकार ध्यान नहीं दे रही। ये कितना ऊंचा जलप्रपात है, यहाँ पर कितने ऊंचाई से पानी गिरता है? यहाँ कम से कम 1 किलोमीटर से पानी गिर रहा है, 1000 फीट से ऊंचा। हाँ, यहाँ ऐसा जलप्रपात है कि छत्तीसगढ़ में ऐसा मुश्किल है ऐसा जगह, लेकिन सरकार को चाहना चाहिए कि इस जगह को कुछ भी कुछ बना देना चाहिए, पर्यटक बना देना चाहिए, लोग आना जाने का सुविधा हो। छत्तीसगढ़ में कहीं भी ऐसा पर्यटक स्थल नहीं है, कम से कम उसको सोचना चाहिए। यहाँ पर नेता भी आते होंगे, नेता कभी आश्वासन देते हैं? कभी आश्वासन देते हैं, बन जाएगा बोलते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देते हैं। अधिकारी आते हैं यहाँ? अधिकारी आते हैं, सबको ही आते हैं, सबको ही पिकनिक आते हैं, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं देते। यहाँ के अंचल के लोगों की मांग क्या है? यहाँ के लोगों के अंचल की मांग है कि पर्यटक स्थल बने या रोप लगे या रोड बन जाए और कुछ सुविधा हो और स्वच्छता पर ध्यान लगे, इसीलिए कुछ टैक्स भी लिया जाए और इस जगह को पूरा पवित्र बनाया जाए, यही मेरा आशा है। ये मांग कर रहे हैं? हाँ, ये मांग कर रहा। कितना वर्षों से ऐसा मांग चल रहा है? मैं 30 सालों से यहाँ हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, सरकार से मांग कर रहा हूँ कि इस कार्यक्रम को अच्छा बनाया जाए। अभी तक कोई सुनवाई कहीं नहीं, सुनवाई नहीं। महासमुंद से किशोर कर की रिपोर्ट, ACN 24।